जैसे ही मारे की बात पूरी होती है, उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। क्यों ना ये काम मिलकर किया जाए? तुम रियांश को मारना चाहते हो और मैं विराज को। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। वो आवाज सुनकर माणिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो समझ गया था कि ये आवाज वर्तिका की है। माणिक अपना सर उठाकर देखता है, सामने वर्तिका अपने चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी थी। वर्तिका माणिक से कहती है, क्या हुआ, मुझे देखकर हैरानी नहीं हो रही है? माणिक भी उसी शातिर मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं, मुझे इस बात का अंदाजा था कि तुम जरूर जिंदा होगी। वर्तिका उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें मेरे जिंदा होने की उम्मीद थी? जहाँ तक मुझे याद है कि उस रात तुमने ही मुझे मारा था। वर्तिका की ये बात सुनकर माणिक का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो आगे कहता है, तुमने हमें धोखा दिया था, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी था। श्रेया उस वक्त तुम्हारे पेट में थी, जिस वजह से तुम्हारी शक्तियाँ बहुत बढ़ गई थी। तुम्हें जिंदा छोड़कर हम आगे के लिए कोई नई मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते थे। वर्तिका माणिक की बात का जवाब देते हुए कहती है, धोखा तो मैंने युवराज को भी दिया था। माणिक कुछ सोचते हुए कहता है, यही बात तो मेरी आज तक समझ में नहीं आई, तुम युवराज दीवान को कैसे धोखा दे पाई? उसे चकमा दे पाना नामुमकिन है। माणिक की बात सुनकर वर्तिका के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ जाती है। उसे हमेशा से इस बात पर प्राउड फील होता था कि जिस युवराज दीवान के दिमाग की हर कोई तारीफ करते नहीं थकता था, उसे वर्तिका ने धोखा दे दिया था। वर्तिका कहती है, युवराज के बारे में सब गलत सोचते हैं, वो इतना भी तेज नहीं है। मैंने उससे बस दो तीन इमोशनल लाइंस ही बोली थी और मेरा काम बन गया। भावनाएं इंसान को बेवकूफ बनाने का सबसे बेहतर तरीका है। माणिक वर्तिका की बात से सहमत नहीं था। वो आगे कहता है, नहीं, बात ये भी नहीं है। तुम नहीं जानती, तंत्रा नाम की एक भयानक तांत्रिक सालों तक युवराज की माँ बनकर उसके साथ रही थी और मृदुला उसकी दाई बनकर। युवराज अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन युवराज ने उन्हें भी पहचान कर उन्हें खत्म कर दिया। फिर तुम तो बाहर की थी, वो तुम्हारी बातों में कैसे आ गया? माणिक की बातें सुनकर वर्तिका को गुस्सा आ रहा था। माणिक वर्तिका के उस अचीवमेंट को नकार रहा था जिस पर वर्तिका को सबसे ज्यादा घमंड था। वो माणिक को गुस्से से घूरते हुए कहती है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि युवराज मेरे बारे में पहले से जानता था? माणिक कहता है, जो कुछ उसके साथ हुआ उसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन मेरा दिमाग ये बात नहीं मानता कि युवराज किसी को पहचानने में कितनी बड़ी गलती कर सकता है। अब वर्तिका को माणिक की बातों पर हंसी आ जाती है। वो कहती है, बेवकूफ आदमी, लगता है उम्र के साथ तुम्हारी बुद्धि भी सठियाती जा रही है। ये बात मेरी जुड़वा बहन कीर्ति भी नहीं जानती थी कि मैं किस हद तक काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, तो युवराज इसे कैसे जान सकता था? और अगर वो मेरे बारे में जानता तो फिर वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मुझे क्यों चुनता? माणिक इसके बाद वर्तिका से कुछ नहीं कहता, लेकिन वो अपने मन में कहता है, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अगर युवराज तुम्हारी पूरी सच्चाई जानता था तो उसने श्रेया को जन्म देने के लिए तुम्हें क्यों चुना? और अपने परिवार पर जान देने वाले उस इंसान ने तुम्हारे भाग जाने पर तुम्हें ढूंढा क्यों नहीं? उसके लिए तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं था? माणिक को खामोश देखकर वर्तिका कहती है, खैर जो भी हो, तुम जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। श्रेया की शक्तियाँ अब जागृत होती जाएंगी, इससे पहले कि उसकी शक्तियाँ पूरी तरह से जागृत हो जाएं, हमें उसे अपने पास लाना होगा। और इसके लिए दो लोगों का मरना बहुत जरूरी है, एक विराज और दूसरा रियांश। माणिक वर्तिका से कहता है, क्या तुम विराज को मार सकती हो? जैसे ही माणिक अपना सवाल करता है, वर्तिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और कुछ ही देर में उसकी आंखों की पुतलियां लाल होने लगती हैं। ये देखकर माणिक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माणिक को इतना हैरान देखकर वर्तिका की वो मुस्कान बढ़ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। माणिक वर्तिका से कहता है, ये नहीं हो सकता, ये शक्तियाँ तो सिर्फ पद्मिनी के वंश के पास हो सकती है। वर्तिका कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं श्रेया को लेकर युवराज की पकड़ से क्यों भागी थी? श्रेया जब से मेरी कोख में आई थी, मुझे एहसास हो गया था कि ये एक बहुत शक्तिशाली बच्चा है। एक बार मैं श्रेया को जन्म दे देती फिर मैं कभी अपना मकसद पूरा नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं श्रेया को लेकर उन लोगों से दूर चली गई और अपनी कोख में पल रही श्रेया की शक्तियाँ अपने में समाहित करने लगी थी। जैसे जैसे माणिक वर्तिका की बात सुन रहा था, उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। वो हैरान होकर कहता है, तो यही वजह है कि जब हम तुम्हें मारकर जा चुके थे उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में वो प्राण वापस आ गए।
ये सुनकर वर्तिका मुस्कुरा देती है। उधर विराज के कमरे में विराज और अंतरा बैठे थे। विराज का चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत लग रहा था, जबकि अंतरा कुछ परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच कोई सीरियस बात चल रही हो। अंतरा विराज से कहती है, इतना कुछ जाने के बाद भी तुम शांत कैसे बैठ सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ है? पहले वो वर्तिका, फिर माणिक और फिर रेहांश, इन तीनों ने श्रेया की शक्तियों को अपनाया है। जब श्रेया उस वर्तिका के पेट में थी, वर्तिका ने तब भी उसे नहीं छोड़ा। उसके बाद 22 साल तक उस माणिक ने श्रेया के साथ वही किया, और अब रेहांश, तुम सोच भी पा रहे हो कि इससे श्रेया पर क्या असर पड़ रहा होगा? विराज कहता है, अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है, जो हो गया है मैं उसे नहीं बदल सकता। अंतरा अपनी बात पर जोर देकर कहती है, वो मैं भी जानती हूँ कि तुम पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन जो मुसीबत अब आने वाली है, तुम श्रेया को उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? विराज कहता है, तुम किस मुसीबत की बात कर रही हो? अंतरा सीरियस टोन में कहती है, तुम अच्छे से जानते हो मैं रेहांश की बात कर रही हूँ। विराज बिना किसी भाव के कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, रेहांश से श्रेया को कोई खतरा नहीं है। अंतरा विराज को इतना रिलैक्स देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया पर अपनी जान छिड़कने वाला विराज श्रेया की सेफ्टी के लिए इतना रिलैक्स क्यों है। अंतरा चिढ़कर विराज से कहती है, तुम उस पर भरोसा करके गलत कर रहे हो, अंत में वो तुम्हें धोखा देगा। विराज उठकर अंतरा के सामने आ जाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, धोखा तो तुम भी मुझे दे रही थी ना, और गॉड नोस तुम अब भी दे रही हो। ये सुनकर अंतरा खामोश हो जाती है। उसे एहसास होता है कुछ वक्त पहले वो खुद विराज को वर्तिका तक पहुंचाने के इरादे से आई थी। अंतरा एक तक विराज की आंखों में देख रही थी, जहां उसे अपने लिए शिकायत ही दिख रही थी। सब कुछ जानते हुए भी विराज ने आज तक अंतरा से एक भी सवाल नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद अंतरा विराज से कहती है, क्या तुम जानना चाहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? विराज अंतरा की आंखों में देखकर कहता है, नहीं, तो मुझे धोखा देने आई थी, इतना जानना ही मेरे लिए काफी है। ये कहकर विराज अपने कमरे से बाहर जाने लगता है। विराज का जवाब सुनकर अंतरा के दिल में दर्द उठता है। वो विराज से कहती है, तुम अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ते हो, तो फिर ये जानने के बाद तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? ये सुनकर विराज के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वहां से जाते हुए विराज अपने मन में कहता है, अगर उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ उस गौरव को ना पकड़ा होता तो शायद मुझे सच का कभी पता नहीं चलता। ये कहते हुए विराज के दिमाग में कुछ महीने पहले का एक इंसिडेंट चलने लगता है, जब अंतरा विराज से पहली बार मिली थी। तभी से विराज को उस पर शक होने लगा था। शुरुआत में अंतरा ने विराज को इन मामलों में इन्वॉल्व करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, और उसने कई बार विराज को रेहांश के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की थी। रेहांश के मामले में अंतरा पूरी तरह से गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी विराज को उस पर शक हो रहा था। इसीलिए विराज ने अंतरा पर नजर रखना शुरू कर दिया था, और मौका मिलते ही उसने गौरव को दबोच लिया था। गौरव से और अपने इन्वेस्टिगेशन से विराज ने बहुत कुछ पता किया। विराज को पता चला कि 22 साल पहले वर्तिका ने सोचा था कि वो युवराज के बच्चे को उससे बहुत दूर ले जाएगी और फिर उसकी सारी शक्तियाँ उससे ले लेगी। उसने इस बात की पूरी तैयारी कर ली थी, सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन श्रेया को जन्म देना कोई आसान काम नहीं था। वर्तिका उसकी ऊर्जा को सह नहीं पा रही थी, इसलिए उसे अपने बिल से बाहर निकलना पड़ा, और तभी वो माणिक और कीर्ति की नजर में आ गई। जब माणिक और कीर्ति को वर्तिका के बारे में पता चला, वो दोनों श्रेया को लेने आ गए। वर्तिका किसी भी कीमत पर श्रेया को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हार गई। माणिक और कीर्ति ने वर्तिका को मार दिया और उसका पेट काटकर श्रेया को बाहर निकाल लिया। उन दोनों ने इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया कि वर्तिका की लाश को इस तरह से छोड़ना ठीक नहीं है। सबने वर्तिका को मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन तभी उसमें फिर से जान आ गई। वर्तिका श्रेया से उसकी शक्ति लेना चाहती थी, लेकिन अब उसके लिए श्रेया तक पहुंच पाना नामुमकिन था। वर्तिका ने श्रेया से पहले ही काफी शक्तियां हासिल की थी, इसलिए वो पूरी दुनिया से छुपकर अपनी उन शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान उसने एक दिन अंतरा को देखा और एक चाल चलकर अंतरा को कीर्ति तक पहुंचा दिया। वर्तिका इससे पहले कभी अंतरा से नहीं मिली थी। वो बाबा के नाम से अंतरा तक अपना मैसेज पहुंचाती थी, और इस काम के लिए उसने गौरव को चुना था। वर्तिका ने अंतरा को बाद में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया था। जब विराज इंडिया वापस आया, तब वर्तिका ने अंतरा को उसके पीछे भेज दिया। वर्तिका अंतरा की मदद से विराज की शक्तियां कमजोर करके
उसे खत्म करना चाहती थी और साथ ही वो श्रेया को सेफ रखना चाहती थी। श्रेया वर्तिका के लिए बहुत काम की चीज थी। विराज की जिंदगी में आकर अंतरा और भी बहुत सी चीजों से घिर गई और अपना मकसद भूलने लगी। साथ ही अंतरा के मन में विराज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था, जिसकी वजह से अब वो विराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अंतरा जानना चाहती थी कि बाबा कौन है और वो विराज को क्यों मारना चाहते हैं। इसके साथ ही उसके मन में एक और सवाल था, जिसका जवाब ढूंढते हुए उस रात अंतरा वर्तिका के पास उस गुफा में पहुंच गई। दूसरी तरफ जब गौरव विराज के हाथ लगा था, तब विराज ने उससे काफी बातें बुलवा ली थी। वर्तिका गौरव से भी किसी बाबा की आवाज में बात करती थी, लेकिन विराज ने जब सारी कड़ियां आपस में जोड़ी तो उसे समझ आ गया कि वो बाबा और कोई नहीं बल्कि वर्तिका है। वर्तिका के बारे में जानकर विराज को बहुत गुस्सा आया था। उसने वर्तिका को ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा दी थी और इसी बीच विराज वर्तिका तक पहुंच गया। शुरू में विराज को अंतरा के इस धोखे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अंतरा ने श्रेया को निकुंज से बचाया था और कहीं ना कहीं विराज के मन में भी अंतरा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। लेकिन जब विराज ने ये देखा कि अंतरा वर्तिका के कहने पर उसे धोखा देने आई थी, जिसकी वजह से श्रेया को इतना कुछ सहना पड़ा, तो विराज को अंतरा पर भी गुस्सा आने लगा था। और आज विराज ने अपनी नाराजगी अंतरा के सामने जाहिर भी कर दी थी। क्या अंतरा जान पाएगी कि वो कहां से आई है और कौन है? इस कहानी में और कितने राज छुपे हुए हैं जानने के लिए अंतरा से नाराज होकर विराज घर से बाहर निकल रहा था। बाहर निकलते हुए वो देखता है कि रेयांश अपनी कार पार्क कर रहा है। विराज रेयांश के पास चला जाता है। रेयांश नोटिस करता है कि हमेशा शांत रहने वाले विराज की आंखें आज कुछ परेशान लग रही हैं। रेयांश विराज की ऐसी हालत देखकर उसे कहता है, क्या बात है, एनी प्रॉब्लम? विराज कहता है, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उसका सच सच जवाब दोगे? रेयांश कंफ्यूज होकर कहता है, कैसा सवाल? विराज रेयांश की आंखों में देखकर कहता है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? विराज का सवाल सुनकर रेयांश के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और वो विराज से नजरें फेर लेता है। ये देखकर विराज कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। ये कहकर विराज वहां से जाने लगता है। तभी रेयांश उसे रोकते हुए कहता है, रुको। विराज के कदम रुक जाते हैं और वो रेयांश की तरफ मुड़कर देखता है। रेयांश एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं एक तांत्रिक का बेटा हूँ और साथ ही मैं एक शापित इंसान भी हूँ। तुम्हारी तरह मेरे भी कुछ राज हैं, जिन्हें मैंने सबसे छुपा कर रखा है। मैं नहीं जानता कि तुम किस कॉन्टेक्स्ट में मुझ पर भरोसा करने की बात कर रहे हो, लेकिन अगर ये श्रेया तुम्हारी या इस घर में किसी की भी सेफ्टी के बारे में है, तो हाँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। रेयांश का जवाब सुनकर विराज की परेशान आंखें एक पल में शांत हो जाती हैं। विराज रेयांश की आंखों में सच्चाई साफ देख पा रहा था। तभी रेयांश उसे कहता है, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? विराज संजीदगी के साथ कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही हम पर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, शायद इतना बड़ा कि हम उसे संभाल ना पाए। विराज का जवाब सुनकर रेयांश का चेहरा भी डार्क पड़ जाता है और वो कहता है, क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? विराज कहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये मेरा इंट्यूशन कह रहा है। श्रेया की शक्तियां अब जागृत होने लगी हैं और ये बात बहुत से लोगों को पता होगी। हर कोई उसकी शक्तियां जागृत होने से पहले उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। विराज की ये बात सुनकर रेयांश विराज से अपनी नजरें फेर लेता है। रेयांश ने भी दृष्टा से कहा था कि वो श्रेया को लेकर उसके पास आएगा। रेयांश कहता है, तुम्हें क्या लगता है कौन कौन हम पर अटैक कर सकता है? विराज जवाब देता है, वर्तिका और माणिक तो जल्दी आएंगे, उनके साथ और कौन कौन हो सकता है ये तुम भी जानते हो। रेयांश कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, डोंट वरी, हम मिलकर संभाल लेंगे, बस हमें ध्यान रखना होगा कि श्रेया हर वक्त हम में से किसी एक के साथ रहे। अगर श्रेया किसी के हाथ लग गई तो हम ये लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। विराज सीरियस होकर कहता है, तुम सही कह रहे हो, हमें श्रेया की सिक्योरिटी के लिए और अलर्ट रहना होगा। रेयांश उसकी बात को काटते हुए कहता है, और तुम्हें उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, वरना वो कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। विराज रेयांश की बात से असहमत होकर कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने श्रेया को समझा दिया है कि अब उसे सिक्योरिटी के बीच ही रहना है और वो मेरी बात को अच्छे से समझ गई है। रेयांश कहता है, वो किसी की नहीं सुनती, वो कुछ भी कर सकती है। विराज अब ऑफेंसिव होने लगता है और कहता है, वो मेरी बहन है और मेरा हर कहा वो मानती है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो आज देख लेना, वो पूरी सिक्योरिटी के साथ ऑफिस गई थी और उतनी ही सिक्योरिटी के साथ
वापस घर भी आएगी। ये कहते हुए विराज बहुत कॉन्फिडेंट था। जैसे ही विराज अपनी बात पूरी करता है, वहाँ एक पुराने स्कूटर की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर समझ आ रहा था कि वो स्कूटर कितना पुराना और खटारा है। धीरे धीरे उस स्कूटर की आवाज बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से विराज और रेहांश को आपस में बात करने में दिक्कत हो रही थी। उन दोनों को अब स्कूटर वाले पर गुस्सा आ रहा था। विराज अपने एक गार्ड को बुलाकर उसे कहता है, जो भी ये पुरानी गाड़ी चला रहा है उसे इस एरिया से बाहर भेज दो। वो गार्ड विराज की बात मानकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी दीवान विला का गेट खुलता है और एक तेज आवाज के साथ एक पुराना सा स्कूटर दीवान विला के अंदर आता है। उस स्कूटर को श्रेया चला रही थी। उस पुराने स्कूटर को चलाते हुए श्रेया बहुत खुश लग रही थी। विराज और रेयांश ये देखकर चौंक गए थे। विराज धीमी आवाज में खुद से कहता है, श्रेया ये पुराना स्कूटर क्यों चला रही है, कल ही तो मैंने उसे कार गिफ्ट की थी। रेयांश कहता है, तुमने तो कहा था कि श्रेया सिक्योरिटी के साथ ऑफिस गई थी और सिक्योरिटी के साथ ही वापस आएगी। विराज को समझ आ रहा था कि रेयांश उसे ताना मार रहा है, लेकिन विराज के पास रेयांश को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वहीं श्रेया उस स्कूटर को स्टैंड पर लगाकर नीचे उतरती है, साथ ही उस 3 करोड़ की कार का दरवाजा खुलता है। विराज और रेयांश क्यूरियस होकर उस कार की तरफ देखते हैं। वो जानना चाहते थे कि अगर श्रेया कार के बाहर है तो कार के अंदर कौन है। अगले ही पल एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने पुराने से कपड़े पहने हुए थे वो कार से बाहर निकलता है। विराज और रेयांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों श्रेया और उस आदमी के पास चले जाते हैं। वो आदमी अपने सर पर लाल गमछा बांधे हुए कहता है, मजा आ गया दीदी, आपकी गाड़ी तो बहुत शानदार है। श्रेया अपना मुंह बनाकर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये कार बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये कितनी बड़ी है और उसे चलाना कितना मुश्किल है, मुझे तो इस कार से अच्छा आपका ये स्कूटर लग रहा है। विराज हैरान होकर ये सब देख रहा था। उसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि श्रेया उस 3 करोड़ की लग्जरियस कार की तुलना एक खटारा स्कूटर से कर रही थी। और इतना ही नहीं, श्रेया स्कूटर को बेहतर भी बता रही थी। विराज से अब ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता है और वो श्रेया से कहता है, श्रेया क्या तुम बताओगी कि यहाँ क्या हो रहा है और ये आदमी कौन है जो तुम्हारी कार चला रहा है। श्रेया एक्साइटेड होकर कहती है, एक्चुअली मुझे आपकी ये 3 करोड़ की कार पसंद नहीं आई, मैं इसमें बैठकर बोर हो रही थी, तभी मेरी नजर इन दूध वाले भैया पर गई जो दूध लेकर कहीं जा रहे थे। मुझे इनका स्कूटर बहुत अच्छा लगा तो मैंने इनसे कहा कि मैं इनका स्कूटर चलाना चाहती हूँ और ये बदले में इस कार को चला सकते हैं, और इस तरह से हम दोनों एक दूसरे की गाड़ी चला रहे थे। पूरी बात सुनकर विराज रेयांश की तरफ देखता है और कहता है, तुमने ठीक कहा था, श्रेया कुछ भी कर सकती है। श्रेया उस दूध वाले से कार की चाबी लेती है और उसे विराज के हाथ में थमाते हुए कहती है, ये कार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, आप एक काम करो इसे बेचकर मेरे लिए ऐसा ही एक स्कूटर ले लो, फिर मैं उसे चलाऊंगी। ये कहकर श्रेया वहां से चली जाती है। रात हो चुकी थी। दीवान विला में अभी डिनर करके सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। विराज अभी भी स्टडी रूम में बैठा अपना काम कर रहा था, तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुलता है और अंतरा अंदर आ जाती है। विराज एक नजर अंतरा को देखता है और अपना काम कंटिन्यू करता है। अंतरा विराज के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विराज लैपटॉप पर अपनी नजरें गड़ाए हुए कहता है, हम बाद में बात करेंगे। अंतरा अपनी बात पर जोर देकर कहती है, नहीं मुझे इसी वक्त बात करनी है और तुम्हें सुनना होगा, तुम मेरी सिचुएशन जाने बिना मुझे धोखेबाज डिक्लेयर नहीं कर सकते। इस वक्त विराज का मूड अच्छा नहीं था, वो अभी अंतरा से बात नहीं करना चाहता था। विराज उठता है और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। जैसे ही विराज अंतरा को क्रॉस करता है, अंतरा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। अंतरा ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, इसीलिए विराज चौंक जाता है। इस वक्त विराज और अंतरा की पीठ एक दूसरे की तरफ थी। विराज बिना पीछे मुड़े कहता है, मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे। अंतरा भी उसी तरह खड़े हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं वर्तिका को मिली थी या कीर्ति को, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मैं कीर्ति के साथ रहती आ रही थी। जब मैं 3 साल की थी तब से कीर्ति ने मुझे अपने साथ काली विद्या सिखाना शुरू कर दिया था। मैं तब बहुत छोटी थी और वो सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन कीर्ति ने मेरे साथ जबरदस्ती की। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती थी तो वो मुझे बुरी तरह से पीटती थी और अंधेरे कमरे में अपने कुछ प्रेतों के साथ बंद कर देती थी। वो जिंदगी मेरे लिए नर्क बन गई थी, लेकिन मैं चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकती थी। मजबूरी में मुझे वो सब करना पड़ा जो कीर्ति चाहती थी। फिर एक दिन मुझे कोई आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ एक बूढ़ी आदमी की थी। पहले तो मुझे उस आवाज़ के साथ
कनेक्ट करने में दिक्कत होती थी, लेकिन वक्त के साथ ये आसान हो गया था। जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी वो आवाज मेरी मदद कर देती थी। इतना कहकर अंतरा रुकती है और फिर आगे कहती है, उस आवाज ने कई बार मुझे कीर्ति से भी बचाया था, इसलिए मैं उसे बहुत मानने लगी। मैंने उस आवाज के मालिक को देखा नहीं था, इसलिए मैं उसे बाबा कहती थी। मैं नहीं जानती थी कि वो वर्तिका है। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि कीर्ति मेरा परिवार नहीं है। ये जानकर मैंने अपनी फैमिली को ढूंढना शुरू किया, लेकिन सालों की कोशिश के बाद भी मैं ये नहीं जान पाई कि मैं कौन हूँ और मेरी कोई फैमिली है भी या नहीं। इसी बीच एक बार फिर से मैंने बाबा की आवाज़ सुनी। उसने मुझे कहा कि वो मेरे परिवार के बारे में जानता है और अगर मैंने उसका काम कर दिया तो वो मुझे मेरे परिवार के बारे में बता देगा। मैं उस पर भरोसा करती थी और किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी, और इस तरह से मैं वर्तिका के जाल में फंस गई और उसका काम करने के लिए तुम्हारे पास आ गई। शुरू में मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन तुमने कई बार मेरी मदद की, इसलिए मैं चाहकर भी कभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। मैंने जो भी किया सिर्फ अपने परिवार तक पहुंचने के लिए किया था। तुम्हें धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये कहते हुए अंतरा का गला भराता है और वो विराज का हाथ छोड़ देती है। विराज खामोशी से अंतरा की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी बात पूरी होने पर भी विराज कुछ नहीं कहता। अब भी विराज से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर अंतरा और भी उदास हो जाती है और वहां से जाने लगती है। वो कुछ ही कदम चल पाई थी तभी वो रुक जाती है। अंतरा को एहसास होता है कि विराज ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया है। विराज के हाथ पकड़ते ही अंतरा की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं, जिन्हें उसने कब से रोक कर रखा था। अंतरा फौरन अपने आंसू पोंछ लेती है। वो किसी के भी सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। विराज धीरे से अंतरा का हाथ अपनी तरफ खींचता है और अंतरा विराज की तरफ मुड़ जाती है। कुछ देर पहले अंतरा ने विराज से अपनी जिंदगी के उन पलों को शेयर किया था जिनके बारे में उसने कभी किसी से बात नहीं की थी, इसलिए रह रहकर उसका मन भर रहा था और उसकी आंखें नम हो रही थी। विराज खामोशी से खड़ा अंतरा के चेहरे को देख रहा था। वो इस वक्त एक अजीब सी दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वो सोच रहा है उसे करना चाहिए या नहीं। कुछ देर तक उन दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रहती है। फिर विराज कुछ सोचकर अंतरा से कहता है, मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से कहता था कि मुझे मेरे लिए एक छोटी बहन चाहिए, क्योंकि मेरी परफेक्ट फैमिली में बस वही मिसिंग थी। जब तक मुझे श्रेया के बारे में नहीं पता चला था मुझे इस बात की हमेशा ही शिकायत रहती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला कि मेरी एक बहन है और वो श्रेया है, तब से श्रेया मेरी जिंदगी की सबसे कीमती इंसान है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि हम अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और तुमने भी यही किया, लेकिन ये कहते हुए विराज खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में अभी भी वो उलझन थी। अंतरा विराज की आंखों में वो उलझन देख नहीं पा रही थी क्योंकि वो अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। विराज की बातें सुनते हुए अंतरा की आंखें भर आई थीं। क्या चल रहा है विराज के मन में? क्या है विराज की ये उलझन? क्या वो अंतरा को बता पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। विराज आगे कहता है, लेकिन तुम इस तरह किसी अनजान की बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो? तुम तो उस आवाज को जानती भी नहीं थी। अंतरा अपना सर झुकाए हुए कहती है, उस आवाज ने कई बार मुझे ऐसी मुसीबत से बचाया था जब मेरा अंत तय था। उसके अलावा मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसे मेरी फिक्र थी, और सबसे जरूरी बात, वही मुझे मेरे परिवार तक पहुंचाने वाली थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद अंतरा अपना सर उठाकर विराज को देखती है और उससे कहती है, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? ये कहते हुए अंतरा की पलकें भीगी हुई थी। विराज अंतरा की आंखों में जो बेचैनी देख पा रहा था वो उसने आज तक नहीं देखी थी। विराज अंतरा की आंखों में देखते हुए कहता है, कैसी मदद? अंतरा अपने दोनों हाथों से विराज का हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, सिर्फ वर्तिका जानती है कि मैं कौन हूँ, मेरा परिवार कहाँ है। तुम मेरे साथ एक बार उसके पास चलो, मैं उससे फिर से पूछना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली कहाँ है। जैसे जैसे अंतरा अपनी बात आगे बढ़ा रही थी विराज की फिक्र उसके लिए बढ़ती जा रही थी। अंतरा की बातें सुनकर विराज समझ गया था कि अब वो अपने होश में नहीं है। विराज कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वर्तिका ने तुमसे सच कहा था? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपना काम पूरा करने के लिए तुमसे झूठ बोल रही हो। विराज की बात सुनकर अंतरा की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। वो विराज की आंखों में देखकर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वर्तिका ने मुझसे कहा था कि मेरी फैमिली के कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। वो जानती है
कि मेरा परिवार कहाँ है। विराज प्लीज उन तक पहुँचने में मेरी मदद करो। इसके बदले में तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। मैं इसके बदले अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। विराज अंतरा से कहता है, अंतरा तुम प्लीज शांत हो जाओ। अंतरा विराज के हाथ को और कसकर पकड़ लेती है और उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मैं अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ कि एक दिन अपने परिवार से मिल पाऊंगी, वरना मैंने खुद को कब तक खत्म कर दिया होता। प्लीज मुझे उन तक पहुँचना है, मेरी मदद करो। विराज समझ नहीं पा रहा था कि वो अंतरा को कैसे हैंडल करे। विराज अंतरा के दोनों कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अंतरा मेरे एक सवाल का जवाब दो। अंतरा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कैसा सवाल? विराज अपना सवाल करता है, डू यू ट्रस्ट मी? विराज का सवाल सुनकर कुछ पल के लिए अंतरा खामोश रह जाती है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। विराज अपना एक हाथ अंतरा के चेहरे पर रखता है और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए उसकी आंखों में देखता है, जो उम्मीद भरी नजरों से विराज को ही देख रही थी। विराज एक गहरी सांस लेकर कहता है, वर्तिका ने तुमसे झूठ कहा था, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। विराज की बात सुनकर अंतरा शॉक रह जाती है और अपनी आंखें फाड़कर विराज को देखने लगती है। कुछ देर खामोश रहने के बाद अंतरा कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, वर्तिका ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मारने के बाद वो मुझे मेरे परिवार के बारे में बता देगी। तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए तुम्हें और श्रेया को नुकसान पहुंचा दूंगी, इसीलिए तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। विराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, उसने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया था। विराज की बातें सुनकर अंतरा का सर घूमने लगा था, उसे विराज की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। विराज खामोशी से अंतरा के चेहरे पर आ रहे भावों को देख रहा था। अंतरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। अंतरा विराज के हाथ को अपने कंधे से हटा देती है और पीछे हटते हुए कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहते हुए अंतरा अपने कदम पीछे लेने लगती है, लेकिन तभी उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। इससे पहले अंतरा गिरती, विराज आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। विराज को अंतरा की ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। अंतरा अब विराज की बाहों में थी। विराज की बाहों में आकर अंतरा उसके सीने पर अपना सर टिका लेती है। उसका सर अब इतना भारी हो गया था कि वो उसे संभाल नहीं पा रही थी। कुछ ही पलों में विराज को अपनी शर्ट पर नमी का एहसास होने लगता है। अंतरा खामोशी से विराज के सीने पर अपना सर रखकर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं विराज का मन अंतरा की ये हालत देखकर परेशान हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अंतरा से क्या कहे कि उसका दर्द कुछ कम हो जाए। विराज धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है और उसे अंतरा के सर पर रखकर उसे थपथपाने लगता है। विराज के ऐसा करने पर अंतरा उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद अंतरा को होश आता है और उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रही है। अंतरा धीरे से विराज के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल देती है। विराज जिसका हाथ अब तक अंतरा के सर पर था, वो अपना हाथ हटाकर पीछे हट जाता है और अंतरा को देखने लगता है। अंतरा का चेहरा रो रो कर लाल हो गया था और उसकी आंखें सूज गई थी। अंतरा विराज की तरफ नहीं देखती है और अपनी नजरें झुकाए हुए वहां से चली जाती है। विराज वहीं खड़ा उसे खामोशी से देखता रह जाता है। विराज के कमरे से निकलकर अंतरा घर के गार्डन में आ जाती है। घर के अंदर उसका दम घुट रहा था, इसीलिए वो ताजी हवा लेने बाहर आ गई थी। अंतरा गार्डन की एक चेयर पर खामोशी से बैठी थी। रह रहकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो रोकने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ श्रेया घूमते हुए उस गार्डन में आ जाती है। वहां आने के बाद श्रेया की नजर अंतरा पर जाती है। वैसे तो श्रेया अंतरा से घबराती थी और उससे कम से कम बात करती थी, लेकिन आज उसे अंतरा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। श्रेया दूर से अंतरा को देखते हुए कहती है, ये लेडी एंग्री बर्ड आज सैड सैड क्यों लग रही है, क्या मैं जाकर उससे बात करूं? ये कहकर श्रेया अंतरा की तरफ बढ़ती है। दो कदम चलकर श्रेया वहीं रुक जाती है और कहती है, लेकिन अगर ये गुस्सा हो गई तो? नहीं नहीं, मैं इससे बात नहीं करूंगी। श्रेया अब पीछे मुड़कर वहां से जाने लगती है। फिर से दो कदम चलकर श्रेया रुक जाती है और कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन वो रो रही है, मैं ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। ये कहकर श्रेया अंतरा की तरफ मुड़ती है और आगे बढ़ जाती है। अंतरा खामोशी से वहां बैठी थी, तभी श्रेया उसके पास आकर बैठ जाती है।
जब अंतरा को एहसास होता है कि कोई आया है तो वो फौरन अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछ लेती है। श्रेया बिना कुछ कहे अंतरा के चेहरे को देख रही थी और अंतरा को ये काफी अजीब लग रहा था। अंतरा श्रेया से कहती है, क्या हुआ? श्रेया कहती है, आप रो रहे हो? अंतरा श्रेया से अपनी नजरें हटाकर थोड़ी सख्ती के साथ कहती है, नहीं। श्रेया अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, नहीं आप रो रहे हो, आपकी नाक लाल हो गई है। अंतरा श्रेया को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन श्रेया अभी भी अंतरा के चेहरे को ही देख रही थी। अंतरा कुछ वक्त अकेले में रहना चाहती थी, लेकिन श्रेया का उसके पास आकर उसे इस तरह से देखना उसे इरिटेट कर रहा था। अंतरा श्रेया से कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? श्रेया कहती है, मुझे लगा कि आप मुझे बताने वाले हो कि आप क्यों रो रहे हो, मैं तो बस वेट कर रही थी। अंतरा जवाब देती है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेले में रहना है। ये सुनकर श्रेया का मुंह बन जाता है और वो वहां से उठने लगती है, लेकिन फिर से उसे अंतरा की सूजी हुई आंखें याद आती हैं और वो फिर से बैठ जाती है। श्रेया आगे कहती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, आपको रोने की जरूरत नहीं है। अंतरा कहती है, मेरी प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर सकती। श्रेया कुछ सोचकर कहती है, तो फिर मैं विराट सर से कहूंगी कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, वो पक्का आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अंतरा जवाब देती है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। श्रेया अंतरा का हाथ पकड़कर कहती है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर सकती हो, प्रॉब्लम शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। अंतरा अपने ख्यालों में खोई हुई कहती है, सालों से मैं अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, आज मुझे पता चला कि मेरा कोई परिवार ही नहीं है। अंतरा की बात समझने में श्रेया को कुछ वक्त लगता है, फिर वो कहती है, तो क्या आप भी मेरी तरह एक ऑर्फनेज में रहती थी? अंतरा कहती है, नहीं। श्रेया अंतरा को देखते हुए अपने मन में कहती है, बेचारी, इसकी भी कोई फैमिली नहीं है, शायद इसीलिए ये इतनी खड़ूस है। श्रेया अंतरा से कहती है, देखो आप परेशान मत हो, आप तो यहाँ हमारे साथ रहते हो ना, तो हम भी आपकी ही फैमिली है। अंतरा को श्रेया की ये बात बिल्कुल बचकानी लग रही थी, लेकिन उसे ये एहसास हो जाता है कि श्रेया उसे अच्छा फील कराने की कोशिश कर रही है। अंतरा कहती है, अपना परिवार अपना होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। श्रेया आगे कहती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे देखो, जब मैं शहर में आई थी तब मैं बिल्कुल अकेली थी, फिर मैं यश और सृष्टि से मिली और अब वो दोनों मेरी फैमिली है, और अब तो मेरी फैमिली में विराट सर और रे। ये कहते हुए श्रेया रुक जाती है, रेयांश का नाम लेते हुए उसका मुंह बन जाता है। अंतरा श्रेया की तरफ देखती है जो इस वक्त कुछ सोच रही थी, वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो ऐसा क्या कहे कि अंतरा का मूड ठीक हो जाए, लेकिन श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये देखकर अंतरा थोड़ी सी मुस्कुरा देती है और कहती है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर अंतरा उठकर वहां से चली जाती है। अंतरा के जाने के बाद श्रेया दुखी होकर कहती है, मुझे तो किसी को चुप कराना भी नहीं आता। अंतरा वहां से जा चुकी थी, लेकिन उसने नहीं देखा था कि पिलर के पीछे रेयांश खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। अंतरा के जाने के बाद रेयांश भी वहां से चला जाता है। उधर दीवान विला के जिम से जोर जोर से पंच की आवाजें आ रही थी। वहां विराज अपने पंचिंग बैग को लगातार मार रहा था। विराज की पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी और वो गुस्से से लगातार पंचिंग बैग को मार रहा था। विराज की आंखों के सामने बार बार अंतरा का रोता हुआ चेहरा आ रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी उस जिम का दरवाजा खुलता है और रेयांश अंदर आ जाता है। अंदर आकर रेयांश विराज की तरफ देखता है। इसके बाद रेयांश की नजर जमीन पर पड़े तीन पंचिंग बैग्स पर जाती है जो विराज के मारने की वजह से टूट गए थे। रेयांश चलकर विराज के पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है? विराज रेयांश को कोई जवाब नहीं देता और लगातार पंचिंग बैग को मारता रहता है। रेयांश कुछ देर तक खामोश रहता है और फिर कहता है, तुम्हें पता है ना तुमने अपने लिए किस खतरे को पैदा कर लिया है। ये सुनकर विराज के हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उस पंचिंग बैग को मारते हुए कहता है, कैसा खतरा? रेयांश जानता था कि विराज जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर रेयांश को हंसी आ जाती है। रेयांश आगे कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे सुनना चाहते हो तो यही सही। जब अंतरा को पता चलेगा कि उसके परिवार के बारे में तुमने उससे झूठ कहा है तो जानते हो ना कि वो क्या करेगी। क्या विराज जानता है अंतरा के परिवार के बारे में? कौन है अंतरा की फैमिली? जानने के लिए सुनते रहिए साया।
अकर्स लव स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।